पूछना करना हो होटल में जाकर के याद रखने की क्या बात है बाबा सभी परिवार होटल में राज गद्दी में जो बैठेंगे जाके वो विकर्म भस्म किए हुए लोग जाके बैठेंगे या जिनके ऊपर सगुना पापों का बोझा चढ़ा हुआ है वो जाके बैठेंगे तो याद याद तो यहाँ होती नहीं यहाँ तो कुसंग में और ये याद बिखर रही है अपने अपने घर में बैठे के बैठे अपने अपने घर में बैठ करके जो संगठन की पावर है वो बिखर जाती है। अब मुसलमानों में हिस्ट्री में इतनी लंबी चौड़ी राजाई क्यों चली क्यों कोनो सबका बुद्धि योग संगठित होकर के काबा में इकट्ठा हुआ तो उनमें सबसे जास्ती संगठन की पावर आ गई। सारी दुनिया पर मुसलमानों ने हिस्ट्री में राजी किया शास्त्रों में भी लिखा है संगो शक्ति कलयुग योगे कलयुग में संगठन की शक्ति बहुत काम करती है। रावण देखो दस्त्र इकट्ठे हो जाते हैं कितनी पावर आ जाती है झूठ में। तो ऐसे नहीं कि अपने अपने घर में बैठ करके याद कर लेते हैं तो जो घरों में वातावरण है वो सुधर जाता है नहीं ये भी पता है घर ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए जो बाप का घर है वो बाप का घर ग्रस्त व्यवहार बेहद का परिवार नहीं है। जो हद के घर ग्रस्त है वही घर ग्रस्त है या बाप की भी गृहस्थी है बाप गृहस्थी बनकर के आया है या सन्यासी बनकर के आया है बाप भी तो गृहस्थी बनकर के आया बल्कि बेहद का गृहस्थी बनकर के आया है। जहाँ गीता पाठशाला है वो भी बाप का घर है ना। जो गीता पाठशाला है उस गीता पाठशाला में जो अन्न खाते हैं वो अन्न विकृत अन्न खाया जा रहा है या शुद्ध अन्न खाया जा रहा है शुद्ध अन्न खाया जा रहा है वो मार्केट में से खरीदा हुआ वही तो यूरिया का अन्न आ रहा है। यूरिया उसका नाम रखा गया यूरिया माने यूरिन से पैदा होता है। जिन खेतों में यूरिया डाली जाती है उन खेतों में पैदाइश हो नहीं सकती अगर यूरिया न डाली जाए। वो खाद की आदि बन गई धरणी वो धरणी है जड़ है या कन्या माताओं रूपी जो धरणी है वो चैतन्य है। उनका भी ये हाल है कि अगर विकारों की खाद ना पड़े तो विकृत रूप धारण कर लेती है तो कैसे सुधार होगा। बाप के साथ संगठित होकर के जब तक नहीं बैठेंगे तब तक सुधार होने वाला नहीं और बाप के साथ संगठित होकर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक दुनिया हमको मजबूर नहीं कर देगी दुनिया से हट जाने के लिए। इस दुनिया से बैराग ऐसे सहज नहीं आवेगा इसलिए ड्रामा बहुत कल्याणकारी बना हुआ है। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी क्या ऐसे बैठे बैठे ही छोड़ देंगे। और ही नए नए मकान खरीदते जाते हैं नए नए मकान बनाते चले जाते हैं बाप कहते हैं किराए पर कम मकान का काम चलाओ ये दुनिया तो विनाश होने वाली है तो जिस चीज में धन लगाएंगे तो मन कहाँ जाएगा है? जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा तो मन एकाग्र होगा या मन बिखरेगा बिखरता चला जा रहा है। इसलिए बाप कहते हैं कि अब वो समय नहीं रहा आराम से चलने का समय बीत गया अभी एक एक कदम बहुत संभाल संभाल के चलना है। अभी समझना का समय है बुद्धि को तन को मन को धन को जितना समेटते जाएंगे
उतना बाप के साथ एकाग्र हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं समझे कि हम जमुना के कंठे पर एकदम पहुंच जाएंगे, नहीं, पहले आबू अब्बा के घर में जाकर के बेहद की गृहस्थी बनना पड़े, हद की गृहस्थी, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो सब खलास। यहाँ कौन सी बेहद की गृहस्थी है? आपस में सब भाई बहन और एक हमारा भाई बाप, बस आपस में ढेर सारे संबंध बनाए हुए हैं, तो विकृत गृहस्थी है या बेहद की गृहस्थी है? विकृत गृहस्थी है। हाँ जी, और ऐसा एक दिन जरूर आएगा सारा होंडा कभी करना पड़ेगा, ध्यान से कभी करना पड़ेगा या सुधर कोई स्थूल चीज स्थूल पैसों से खरीदी जाएगी या सूक्ष्म ज्ञान धन से खरीदी जाएगी? स्थूल चीज को खरीदने के लिए स्थूल पैसे चाहिए, दिव्य गुणों को खरीदने के लिए ज्ञान धन चाहिए। बात यह है कि 4.5 लाख जाके कहाँ रहेंगे और आने वाले आकर के आतेंगे आएंगे और जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे? लाइन लगेगी आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक, लाइन टूटेगी नहीं, दिन में भी नहीं टूटेगी, रात में भी नहीं टूटेगी। तो इतनों के रहने के लिए पानी का प्रबंध, बिजली का प्रबंध, ठहरने का प्रबंध करना पड़े या नहीं करना पड़े? अभी तो माउंट आबू की आबादी बहुत कम है, वो आबादी बढ़कर कितनी हो जाएगी? परमानेंट रहने वालों की ही आबादी 4.5 लाख, और आने जाने वाले बच्चे करने वाले और वो तो और ज्यादा। हाँ जी, तो बाबा ने जो वाक्य बोले हुए हैं उनमें तो संशय लाना ही नहीं चाहिए, ये मुरली का वाक्य है। आगे चल करके सारा आबू ही खरीद करना पड़ेगा। यही जानने की बात बताई कि सारी दुनिया का विनाश होगा, कोई ऐसा स्थान भी होगा जहाँ भूकंप का असर न पड़े? तो एक माउंट आबू ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है और इतना गहरा है कि सारी दुनिया में भूकंप आते रहेंगे लेकिन माउंट आबू पर उस भूकंप का असर नहीं होगा। अभी तो दुनिया इस बात को जानती नहीं है, इस बात को कि माउंट आबू जो है वो ग्रेनाइट के गहरे पत्थर का बना हुआ है। और माउंट आबू जाए करके वहाँ घर बनाने से रहते कहेंगे क्या? हैं? वहाँ रहते कहेंगे क्या? अभी रहने की कहाँ बात है, रहने की तब की बात बताई। उनको पकड़ा बहुत ज्यादा, जब ज्ञान ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़े, मधुवन वालों को मधुबन छोड़ना पड़े, वो छोड़ के भागे और हम वहाँ जाके डटेंगे की अग्रतवाणी में बोल दिया, रावण इस समय 200 नाखूनों का जोड़ दे करके तुम्हारे लिए राजधानी तक तैयार करने का उपक्रम कर रहा है। तो इतनी ढेर सारी जो बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, वो हम बना रहे हैं क्या? बनने किसके लिए, किसके लिए बन रही है? बच्चों के लिए बन रही है। कौन से बच्चे? जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनके लिए, या जो 83 जन्म लेने वाले हैं वो बचेंगे? वो नई दुनिया की स्थापना करेंगे? वो तो पहले ही चले जाएंगे। तो मोटा भी जो कुछ जन्म लिया बना लिया, वो है ना, मेरी समझ की बात आया ना, क्या क्या सफा की बात? माया सफा क्या?
ऐसा मुरली अभी तुम्हारे में कहीं आया है? नहीं आया तो वो बात नहीं उठाते। जो मुरली में अभी तुम्हारे में बात आई है उन बातों को उठाओ, बाकी तो बाबा कहते हैं सब भूसा है, भूसे की बातों को क्यों उठाना। जो बाबा सुनाते हैं शास्त्रों की बातें, वो सार की बातें सुना रहे हैं, उन पर मनन चिंतन मंथन करना है। बाकी अपनी बातें और शास्त्रों की बातें और मनुष्यों की लिखी हुई बातें मिक्स करते रहेंगे तो बुद्धि खराब होती रहेगी। देलवाड़ा मंदिर भीम सिंह ने बनाया, राजा भीमदेव। जिसने चैतन्य बनाया उसने जड़ बनाया। अरे शूटिंग तो होती है, चैतन्य देलवाड़ा मंदिर बनाने वाला भी कोई निमित्त होता है कि नहीं? तो जड़ बनाने का भी वही बनता है। और मुरली कोर्स के अंतर तू तो दोस्तों छः तक चल रहा है पढ़ी समय काफी मुरली के अंतर ये तो कोर्स ही भी बता दिया रूम वर्ष के निर्णय मिलने के बाद वो वर्ष 2004 में पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है 2008 तक वो कार्य होना है। तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने का, जो पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए 3637 से लेकर 2050 तक हुआ था, 14-15 साल लगे थे ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष होने में। ब्रह्मा का नाम प्रत्यक्ष कब हुआ? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कब बना? जब ब्रह्मा का नाम प्रत्यक्ष हुआ तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना, उसके पहले तो ओम मंडली नाम था, ब्रह्म कुमारी विद्यालय नाम था क्या? तो 14 साल लगे पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होने में। इसी तरह दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में फिर 30-33 साल लगते हैं। हाँ तो उनका अंतराल पीरियड भी होता है, जैसे ब्रह्मा के लिए 14-15 साल का वो अंतराल पीरियड हुआ, ऐसे ही दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने का अंतराल पीरियड है 69 से लेकर के 76-75 तक, वो 7-8 साल का अंतराल पड़ गया। ऐसे ही तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने का अंतराल है 2005 से लेकर के 2008, टाइम पीरियड कम होता जाता है। तीन साल पूरे होते हैं तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है, तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होना माना स्थापना का कार्य पूरा हुआ, पालना का कार्य शुरू हुआ, और इसी बीच विनाश का कार्य भी शुरू होता है। तो तीनों मूर्तियां इकट्ठा काम करती है, स्थापना भी तेजी से होती है, विनाश भी तेजी से होता है, पालना भी तेजी से शुरू होती है, तब त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता होती है। बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तीनों बच्चे प्रत्यक्ष हो तो बाप भी प्रत्यक्ष हो। अभी तो तीन सीट फिक्स हुई है ऐसा बोला, लेकिन सीट तो फिक्स हुई, वो पढ़ाई पढ़ने वाले जो एडवांस के बच्चे हैं नंबर वार उनकी बुद्धि में बैठ गया कि तीन सीट्स पर बैठने वाली तीन मूर्तियां कौन सी हैं। लेकिन वो तीनों मूर्तियां क्या मैदान में है? मैदान में तो है नहीं, भले बुद्धि में वो बात फिक्स हो गई तो मैदान में भी होनी चाहिए,
तब कहेंगे झंडा बुलंद हुआ तीन कपड़ों का। ये तीन शरीर रूपी वस्त्र हैं जिनकी यादगार है भारत में, ये झंडा बुलंद करते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सारे विश्व के ऊपर विजय दिलाने वाला ये हमारा झंडा है। प्रैक्टिकल में दुनिया के दूसरे धर्मों का कोई ऐसा झंडा नहीं है जिसने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की हो, और वो झंडा कपड़े का नहीं होता है, वो झंडा चैतन्य शरीर रूपी वस्त्रों का है। जो भी बच्चे रुद्रमाला विजयमाला के मुक्त होंगे उन्हीं की पालना करेंगे। रुद्रमाला के मण के विजयमाला में जब ऐड किए जाते हैं तो संपन्न बन जाते हैं, विजयी वस्त्र बन जाते हैं, उन्हीं की पालना करेंगे या ढेर की ढेर इकट्ठी पालना करना शुरू कर देंगे। नई दुनिया की जो राजधानी स्थापन होगी वो एक इकाई से होगी या अनेकों से होगी, कोई छोटे परिवार से शुरुआत होगी या एकदम 500 करोड़ की दुनिया बन जाएगी या 35 करोड़ देवताओं की दुनिया बन जाएगी, कोई छोटा सा परिवार तैयार होगा पहले। हाँ जी, और बहुत सही से बोल रहे हैं। 220 में आग का 220 नहीं 2020 हाँ जी, आग का स्वरूप को बदल रहे हैं बोल रहे हैं, आग का स्वरूप को बदलता है बोल रहे हैं, तो बदले हैं। कृष्ण का जन्म होगा तो नरक के भी स्वर्ग का नजारा होगा ना, दुनिया देखेगी ना कि आठवां मंडल तैयार हो गया, सात मंडल तो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए हैं, वो तो सारी दुनिया के मनुष्य देखने के लिए जाते हैं पैसा खर्च करके, ये आठवां मंडल तो ऐसा निकलेगा जो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ नहीं होगा, वो भगवान के द्वारा बनाया हुआ वंडर है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो उसकी तो दुनिया में कितनी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, दूसरी मूर्ति आएगी तो बाकी दो मूर्तियां गुम हो जाएंगी क्या? तीनों मूर्तियों के बीच जगदम्बा का नाम है या नहीं है? तीनों मूर्तियों में जगदम्बा का नाम है या नहीं है? है? ब्रह्मा की मूर्ति ही तो जगदम्बा कही जाती है। बाबा आज में 10 साल राहुल वाली आत्मा को पास हो गए ना? 10 साल कहाँ हुआ आज में? अच्छा 10 साल मना वो 10 साल बता रहे हैं जिसमें ब्रह्मा बाबा के साथ दुकान में काम किया है। 10 साल से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी, वो पॉइंट की बात कर रहे हैं। हाँ 10 साल ठीक है, माना कोई आत्मा थी जो ब्रह्मा बाबा के साथ 10 साल से दुकान में रहती थी, दुकान संभालती थी। हाँ अभी शरीर से हो गया। हाँ शरीर से हो गया जंगल कभी शेर के बगैर खाली नहीं रहता, तो ये भी कांटों का जंगल है। इसमें ब्रह्मा की मूर्ति जब गायब हो गई तो दूसरी मूर्ति जो शंकर पाठ बजाने वाली मूर्ति है वो 69 से आ जाती है। हाँ जी, माना ये कि आज में जिस राम वाली आत्मा ने शरीर छोड़ा था वो उसी समय कहीं ना कहीं जन्म ले लेती है, और जन्म लेने के बाद ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के तुरंत बाद वो ज्ञान में आ जाती है, दूसरी मूर्ति का पाठ भी शुरू हो जाता है, लेकिन वो गुप्त रहता है, किसी को पता नहीं चलता जब तक प्रत्यक्षता वर्ष न मनाया जाए।
एक पॉइंट ज्यादा आते आते बाबा कामी नहीं तो मोक्ष कामी नहीं आते बाबा एक सवाल क्या कामी नहीं कामी नहीं तो मोक्ष कामी नहीं कामी माने कमजोरी कमजोरी है कमी एक सवाल ज्यादा आते बाबा सर जिसमें कमी नहीं होगी जिस जो पतिति नहीं बनेगा वो फिर पावन कैसे बनेगा पहले पतित बने तब फिर पावन बने जो पतित नहीं बनते वो पावन भी नहीं बनते क्रिश्चियन और दूसरे धर्म के लोग इतने ज्यादा पतित भी नहीं बनते तो फिर वो देवता भी नहीं बनते वो लोग समझते हैं बाबा पतित मतलब शादी है हाँ जी शादी की बात में पतित है समझे हाँ वो हम समझे शादी नहीं तो ओम शांति में ओम शांति से पहले ही शादी हो चुकी ओम शांति के ज्ञान में आने से पहले ही शादी हो चुकी बर्बादी हो चुकी अब बर्बादी की बर्बादी क्या होगी शंकर जी सोचते हैं कि ये महाकाली तो हमारा ही काम कर रही है शंकर का काम है विनाश करना और शंकर खुद तो विनाश करता नहीं है कौन करता है असुर संगारणी शक्तियाँ ही शंकर का विनाश का कार्य करती है तो उनमें महाकाली सबसे आगे जाती है बड़ा काम करती है शंकर जी का तो काम कर रही है तो उसको रोकना क्यों करने दो अनजान हो जाओ तो अनजान होकर के लेट जाते है तो जो जिसके भगत हैं वो उसको ऊपर रख देते हैं विष्णु विष्णु को उपासक जो है विष्णु को भगवान बना देते हैं और शंकर जी को और ब्रह्मा जी को नीचा दिखाई देते हैं जो शंकर के उपासक हैं वो शंकर को ऊंचा दिखाई देते हैं विष्णु और ब्रह्मा को नीचा दिखाई देते हैं जो ब्रह्म समाजी हैं वो ब्रह्मा को ऊंचा दिखाई देते हैं विष्णु और शंकर को नीचा दिखाई देते हैं तो ये भांति भांति के जो चित्र बनाए हैं ढेर के ढेर ये मनुष्य की मत पर बनाए गए असली चित्र कौन से हैं है? असली चित्र है जो बाबा ने बनवाए इसलिए मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए चित्रों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्या मनुष्यों के द्वारा जो बनाए हुए चित्र है वो सब है गड्ढे में ले जाने वाले मुरली में क्या बताया हाँ कृष्ण की क्राइस्ट की राशि मिलाई वो तो बताया हाँ तो उससे क्या होता है माना जो कृष्ण के जीवन में चरित्र हुए हैं वो चरित्र उन्होंने क्राइस्ट के जीवन में दिखाए हुए हैं हाँ। लेकिन कृष्ण को तो गीता का भगवान बना दिया क्राइस्ट को तो गीता का भगवान नहीं कहते तो अंतर हो गया ना और देवताओं को सब देवताओं को तो दो दो तीन तीन पत्नियां नहीं होती राम को दो पत्नियां दी तीन पत्नियां दी सबको तीन पत्नियां नहीं राम को एक तो ये बात तो झूठी हो गई सब देवताओं को दो तीन पत्नियां होती वो तो शास्त्रों में दिखा दी है बाबा हमें सच्ची बात बताते हैं कि सत्युग त्रेता में जहाँ असली स्वर्ग था वहाँ देवताओं को सिर्फ 21 जन्म में एक ही पत्नी होती थी दूसरी पत्नी या दूसरे पति की बात होती नहीं ये तो मनुष्य गुरुओं ने लिख दिया है जैसे खुद है मेंटलिटी के वैसी वैसी बातें लिख दी है शास्त्रों स्वामी सत्य पुत्रेता की देवताओं की बात है या संगम के मनुष्यों की बात है
मनुष्यों को एक एक पद मनुष्यों को एक एक पत्नी इस समय जो प्रजापिता है उसको प्रजापिता को दो पत्नी हुई या एक पत्नी हुई? एक तो नारी से लक्ष्मी बनने वाली जो 76 से ही जन्म ले लेती है प्रत्यक्षता रूपी जन्म। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए तो 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित हो जाता है ना। तो एक पत्नी दो हो गई और दूसरी पत्नी हुई जगदम्बा, तो दो पत्नियां हुई ना, वही जगदम्बा और लक्ष्मी, यही तिरुपति में दो पत्नियों की बात हो गई। हाँ, तो वो देवताओं की बात थोड़े ही है, वो तो अभी के मनुष्यों की बात है, वो देवताओं की बात नहीं है। अभी हम देवता नहीं बन गए, अभी हम देवता हैं कि राक्षस हैं? राक्षस होते हैं ज्यादा पत्नियों वाले और देवताएं होते हैं एक पत्नी वाले। बाबा टेम्पल में एक यादगार है बाबा, वो शंकर पार्वती वो देवता रूप है ना, वो शंकर के पांव में कोई बच्ची है वो क्या है? जगदम्बा, जगदम्बा बच्ची नहीं है, ब्रह्मा की बच्ची है ना जगदम्बा। हाँ जी, और ज्यादा से ज्यादा जन्म सहयोगी बन के रहे होंगे, सबने साथ छोड़ दिया तो भी 83वें जन्म में सहयोगी बन के रहे होंगे। हाँ जी, जहाँ जहाँ जो जैसी बात समझनी है वहाँ वैसा समझ लो। हाँ, जिसमें शिव बाप सकल रूप में रहे थे उसी को सभी धर्म की आत्माएं याद करती है, माँ भी उसी को याद करती है। ये तो टाइटल जारी है ब्रह्मा सरस्वती, मगर एडवांस के जो प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती जो भी है वो तो डायरेक्ट जिस मुकर रथ में जिस शिव रहे थे उन्हीं को याद करते हैं ना, तो उनके बच्चे भी उन्हीं को याद करते होंगे। तो फिर जो उनको प्राप्ति हुई होगी तो जरूर वो पूरे झाड़ जितने भी है इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चन उनको भी उन्हीं से वही प्राप्ति हुई होगी। और सभी उनकी बात समझी क्या कह रहे हैं वो दोनों की कमी है। ब्रह्मा सरस्वती बेसिक नेक्स्ट जो ब्रह्मा सरस्वती जो ज्ञान में चले उनको वो लोग याद करते हैं। एडवांस की ब्रह्मा सरस्वती की बात करिए, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा उनकी बात करिए। जगदम्बा को याद करने के लिए बताया था, जगदम्बा भी उसी मुकर रथ को याद करती है तो उनके फॉलोअर्स मुकर रथ उसी मुकर रथ को याद करती है, उसी को भगवान मानती है गीता का। जगदम्बा उसी मुकर रथ को गीता का भगवान मानती है, है? जब नहीं मानती है तो शिव हम हुआ ना, या तो मानती है या तो नहीं मानती है, याद करने की बात ही नहीं रह जाती। उन्होंने पहले 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 की बात नहीं, आज से लेकर अंत तक डटे रहने की बात है। पहले पहले तो सब मानते थे, शास्त्रों में भी वेदों में भी लिखा हुआ है, हे परमात्मन हम तुम्हें पहले सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब मानते हैं। जब समो प्रधान बनते हैं तो अनित्य पैदा होता है, अनिश्चय पैदा होता है, ये बाप आप नहीं है, हम ही हमारा ही पार्ट है। तो वो असली जगदम्बा हुई क्या जब वो बाप के कॉन्टेक्ट से ही डिसमिस हो गई है? असली जगदम्बा कहेंगे तो माना उनको माना जो भी असली जगदम्बा होगी वो बाप की नहीं, नहीं, नहीं। जो असली जगदम्बा होगी वो जगत की अम्मा होगी या भारत की माता होगी? असली जगदम्बा होगी, नामी जगदम्बा है तो सारे जगत की अम्बा, राक्षसों की भी अम्बा और देवताओं की भी अम्बा। क्या लक्ष्मी को ये कहेंगे राक्षसों की अम्बा? नहीं नहीं कहेंगे ना। तो लक्ष्मी का जिसने लक्ष्य धारण किया वो लक्ष्मी बनती है, और जिसने असली बच्चों को सपोर्ट किया वो जगदम्बा बनती।
इसीलिए विश्व महारानी वो स्वर्ग में रह करके अपने घर के बच्चों को सपोर्ट करती है, अपने परिवार के अंदर जो परिवार के दायरे के अंदर रह आ जाते हैं घर के अंदर उन बच्चों को सपोर्ट करती है, और बाहर की दुनिया का कंट्रोल कौन देता है? बाप देता है। इसलिए वो विश्व महारानी है। बाबा आपने एक ही आत्मा के लिए कहा कि वो काला भी पाठ बजाती है, सिर्फ सत्तों प्रजान से वो गोरा पाठ बजाती है। हाँ जी, गौरी मूर्ति भी वही है, काली मूर्ति जैसे एक ही रथ में श्याम सुंदर का गायन है वैसे महात्मा की भी महाकाली से गौरी का भी पाठ है। क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये? गौरी भी तो बनती है वो काली गौरी। अरे श्याम सुंदर की अभी बात कर रहे हैं, श्याम सुंदर की भी बात करे वो जगत की और जगदम्बा का भी यही गायन है ना वो, क्या काली से गौरी गौरी बनती है। हाँ गौरी कितनी गौरी बनती है, लक्ष्य प्राप्त कर लेती कि नहीं जो बाबा ने लक्ष्य दिए है? बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है? नारी से लक्ष्य बनना, वो लक्ष्य प्राप्त किया या नहीं किया? नहीं। तो नंबर वार की स्टेज में आ गई या 100% की स्टेज में आई है? नंबर वार की बाबा के मूल्य को नहीं मानते, पिता का भगवान मानते, माना जो मूल्य चाहिए उनके बात को मानते हैं, उस हिसाब से ठीक है। ठीक है, बात को कहते हैं बाकी उसके चेतरे गाड़ा पे भरा जाता है, इसलिए कहेंगे कि उसमें वाइब्रेशन नहीं होते हैं, ज्ञान है फिर भी लेकिन वाइब्रेशन की पावर नहीं है और दृष्टि की पावर भी नहीं है। एक व्यक्ति को समझाया जाए, उसकी आंखों में आंखें डाल करके उसे समझाया जाए, और जो अपना फुल वाइब्रेशन है सात्विक स्टेज का, वो वाइब्रेशन चारों तरफ उसके काम करेगा, वो टैप कार्ड के अंदर नहीं है। सेकंड क्लास तो सेकंड क्लास ही माल है, नंबर दो का माल है, नंबर दो का ठप्पा लगाना है। हाँ जी, जब जो सन्मुख है वो ही भगवान की वाणी है, सन्मुख नहीं है तो ईश्वरीय वाणी कल्याण नहीं कर सकती पूरा। इसलिए होता है, इसलिए होता है कि एक आत्मा का सूर्या पार्ट है, तभी हरेक का अपना अपना अलग अलग है ना, हरेक आत्मा का संपन्न होने का टाइम अलग अलग है कि एक ही है? हाँ संगम युग है। नहीं नहीं नहीं, वो तो सबके लिए नहीं है ना, कुछ आत्माएं तो स्वर्ग की स्टेज में पहुंच जाएंगे, उनके लिए स्वर्ग है या बाप पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जो बाप मौजूद है उसको वो मानेंगे क्या? और हाँ जीवन कैसे होगा स्वर्ग में, जीवन कैसा होगा? सुखी जीवन होगा और कैसा? अरे सर का मतलब स्वकी पावर से, आत्मिक पावर से सारा कार्य होगा, प्रकृति भी कंट्रोल हो जाएगी, पांच तत्व भी कंट्रोल हो जाएंगे, हम जैसी इच्छा करेंगे वैसा ही हमको मुहैया होगा। हाँ
अरे बेसिक में रहे या सीधे ही चले आए? बाबा एक बार भाई 30-35 साल ब्रह्मा के, 30-35 साल शंकर के और 30-35 साल विष्णु के। तो विष्णु जब भी आएगा तभी वो पढ़ाई पढ़ाएगा ना। विष्णु पढ़ाई पढ़ाता है क्या? अभी तो मुरली बोला यहाँ पढ़ाई पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। तो 2035 तक शिव बाबा ही पढ़ाई पढ़ाएंगे, जब तक जीना है तब तक। हाँ जी हाँ जी। तो विष्णु की मूर्ति तो कुछ काम की नहीं रही, काम भी क्यों नहीं रही? उसके द्वारा जो ज्ञान सुनेंगे, उसके द्वारा जो ज्ञान सुने, पढ़ाई पढ़ाने वाला तो विष्णु को भी कौन है? बात ही है। लेकिन उसके द्वारा जो पढ़ेंगे वो आत्माएं स्वर्ग की जाने की अधिकार नहीं बनेंगी, गोदाम में जाने की अधिकार नहीं बनेंगी। अभी जो पढ़ रहे हो नहीं जाएंगे? अभी कन्याओं माताओं के द्वारा, जिन कन्याओं माताओं के द्वारा पढ़ रहे हैं वो जगदम्बा को फॉलो करने वाली है या लक्ष्मी को फॉलो करने वाली रही? गीता माता जगदम्बा है, लेकिन जो जगदम्बा है उसमें भी वास्तव में जगत का फाउंडेशन डालने वाला भारत है या दुनिया है? भारत माता को अलग नहीं कर सकते जगदम्बा से। पहले भारत माता या पहले जगत, जगदम्बा? भक्ति का फाउंडेशन कौन है और ज्ञान का फाउंडेशन कौन है? भक्ति जगदम्बा। जगदम्बा और ज्ञान का बाप है, वो तो है ही है, लेकिन यहाँ निमित्त चाहिए ना। कन्या माता निमित्त बनती है ना ज्ञान सुनाने के। दुनिया का कल्याण कन्याओं की माताओं के मुख से सुने हुए ज्ञान से कल्याण होगा या पुरुषों के मुख से सुने हुए ज्ञान से कल्याण होगा? कन्या माता निमित्त, कन्याओं माताओं में निमित्त कौन है? हाँ इसीलिए है दो बाप की नजर कौन, लेकिन है दो, लेकिन उनमें एक धारणावान है और एक से जो मुख से सुनाती है, धारण करती है, वजन उठाती है, लेकिन धारण नहीं कर पाती अपने जीवन में। बाप की नजर में दोनों है, बाप की नजर में दोनों है, दोनों ही चाहिए। अगर कलश को उठाने वाला हाथ नहीं होगा और वो फेंक दे तो उसको मिलेगा कहाँ बांटने के लिए? मिलेगा? जगदम्बा से लक्ष्मी और काली शास्त्रों में ये कथाएं आई है। कंपिल के राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, कंपिला देश की महारानियों के नाम से टीवी सीरियल भी चला है बहुत कई महीनों। ये तो रुचि और सुरुचि, सुरुचि और सुनीति, ये दो रानियों की कथा आई है। वही दो रानियों की कथा इसमें आई है, क्या नाम, दिति और अदिति के रूप में आई है। तो ये कथाएं अलग अलग नामों से अनेक रूप में दिखाई गई है। वही कथा तिरुपति की भी है, अलग नहीं है। माना है तो दो और दोनों ही अपनी जगह पर निश्चित है, लेकिन जो पहली महारानी होती है उसको मान मर्तबा जाति होता। आज की भी दौर में अगर पति शादी कर चुका है हिंदू पति और वो दूसरी शादी कर लेता है बिना परमिशन के तो उसको उठा के जेल में जेल में डाला जाएगा। यहाँ जगदम्बा बाप थोड़ा ही विदेशी है, अंदर से बाप तो स्वदेशी है, वो नहीं छोड़ने वाला है। विदेशी बन करके आया हुआ तुम बच्चों से मिलने के लिए। अगर विदेशी बन करके नहीं आता तो तुम बच्चों से मिलन मेला मनाए भी नहीं, तुम्हें टच भी नहीं करता। हम मिलते हैं ना, आंख लगा के मिलते हैं ना। दुनिया में आओ किसी से आंख लगा के मिलेंगे क्या? बाबा की नजर हाँ
रावण की जेल में थे वो कैसे हैं? माने रावण की जेल में नहीं है, राम के अंदर में है वो, तुम पता नहीं थी बोलते क्यों है? अच्छा, इसीलिए नहीं लगता है कि 63 जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं जगदम्बा के साथ के, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। रिगार्ड रखने की बात नहीं, रिगार्ड सच्चाई का रखना चाहिए। सत्य की बात सत्य को कहो, असत्य की बात असत्य को कहो, ये नहीं कि हम सपोर्टिव बन जाए कि ये मेरा है, 63 जन्म मेरा रहा है, मेरे नजदीक रहा है, इसलिए रिगार्ड रखना है। नहीं, बाप के बच्चे जो है, बाप के बच्चे पहले सूर्य बनती है या पहले चंद्रमा और चंद्र बनती है? क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते तो ठीक है, तोड़ो पूजा, इसलिए टूटे बन जाओ है? नहीं बनी, ऐसे होता है क्या? कौन सा कृष्ण? नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू गॉड कौन सा कृष्ण? नके सत्यवी संगमुखी कृष्ण ना, वो संगमुखी कृष्ण जो नाम है वो साकार शरीरधारी का है या आत्मा का है? प्रवेश करने वाली आत्मा का है? आत्मा है ना। मेरा एक ही नाम है जो शरीर पर नहीं पड़ता, वो नाम है शिव, और बाकी जितने नाम है वो सब शरीरधारी पर पड़ते हैं। तो संगमुखी कृष्ण जो नाम है वो शरीरधारी का है, प्रवेश करने वाली आत्मा का नाम नहीं है। नेक्स्ट उसके प्रजापिता बोला, नेक्स्ट उसके शंकर बोला, रुक जाओ अभी अभी क्लियर हुआ जाता है कौन सी पार्टी का कौन है। बोलो, नेक्स्ट टू गॉड एज ए प्रजापिता, नेक्स्ट टू जो, तो प्रजापिता कौन है पहले ये बात बताओ। रामवाली सोल हो गई ना, रामवाली सोल प्रजापिता हो गई, तो नेक्स्ट टू राम हो गया ना गॉड, नेक्स्ट टू गॉड राम हुआ कि नहीं? प्रयोग कर रहे हैं, कन्फर्म किस बात को, किस बात को कन्फर्म कर रहे हैं? वकालत करने का कोई कारण भी तो होता है, है? क्योंकि कृष्ण के पास सारी ढेर निकल रहे हैं, कृष्ण का पाठ बनने बनाने में थोड़ा फायदा है, 16,000 रानियां बनने के चांसेस है। अगर राम को आगे करेंगे मेरा राम का पार्ट है तो 16,000 भी नहीं मिलेंगे। कृष्ण का पार्ट अपने को डिक्लेयर करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि बिन तेरे हम तेरे ढेर सारे निकल पड़ते हैं। माँ जो होती है जब बच्चे को जन्म देती है तो अपनी पवित्रता को बच्चों में ट्रांसफर करती है, वो पवित्रता का स्थापना करने के निमित्त होती है, और वही जब बच्चे जितनी पवित्रता होगी उतनी ही ट्रांसफर करेगी ना। हाँ, जितनी पवित्रता, असली पवित्रता ज्ञान के आधार पर होगी या अज्ञान के आधार पर होगी? तो ज्ञान तो बाबा ने दिया हुआ है, असली ज्ञान बाबा ने दिया हुआ है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है क्या बनना? हाँ जी, बात ये है दूरी की तरफ स्थापना करने के निमित्त बनती है। वही बच्चे जब पति के साथ विवाह करता है तो वो जो पत्नी है वो प्योरिटी का नष्ट करने के निमित्त बनती है, तो इसीलिए राइट साइड में माँ को और लेफ्ट साइड में पत्नी को दिखाया गया। ठीक है, तो बाबा ये बेहद में कैसे लागू है? लाभ हो रहा है नष्ट करने के निमित्त कौन मेरी बात की बनी है, बाप की बनी है वो नष्ट करने के निमित्त नहीं बनती है। बाप की शक्ति को नष्ट करने के निमित्त बनती है? हाँ जी, ऐसी कोई माता ऐसी कोई रचना नहीं होती जो रचयिता की शक्ति को नष्ट न करती हो और रचना बन जाए।
पसंद की हो रही है, वही तुलसी करना हुआ, पसंद करना मैंने व्यक्त कर दिया। किसको? वही पार्टी जगदम्बा को कहाँ स्वर्ग में कहा जाता है? जगदम्बा माँ हो गई। हाँ, जगदम्बा माँ होगी और लक्ष्मी वाली आत्मा जगह नहीं होगी। हाँ, लक्ष्मी वाली आत्मा प्योरिटी का नष्ट करती है, प्योरिटी को नष्ट नहीं करती है। वो प्योरिटी को नष्ट नहीं करती, प्योरिटी को नष्ट वो करते हैं जो शरीर की कर्मेंद्रियों का संग करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी को नारायण की इंद्रियों का, चाहे ज्ञान इंद्रिया हो चाहे कर्मेंद्रिया हो, कोई इंद्रिय का संपर्क संपर्क नहीं दिखाया गया। लक्ष्मी को इसीलिए रखा है। एक लक्ष्मी आय का चित्र ऐसा भी है जिसमें लक्ष्मी को राइट में रखा है। लेफ्ट में रखा है इसका मतलब ये हुआ कि वो ज्ञान लेती है, इसलिए बाम मार्गी है और लंबे समय तक अज्ञानियों के अंदर में रहती है। बकरी का पार्ट है, जिसने कान पकड़ लिया उसके अंदर में रह जाती है, इसलिए लेफ्ट है। शक्ति और नैने शक्ति नहीं है, इसलिए लेफ्ट है। अरे शक्तियाँ इसी चोले में है शंकर जी, उस चोले में है। जो इसी चोला होता है वो तो फॉलोअर आसानी से बन जाता है, वो कोई तो बड़ी बात नहीं। लेकिन पुरुष चोला होते हुए भी फॉलोअर बन जाए, समान बन जाए, निर्विकारी बन जाए, निराकारी बन जाए, वो बड़ी बात है। सब पुरुष दुर्योधन जो साधन है अभी क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल धरनी कंपनी होगा तो असुरों का विनाश कैसे होगा? ये इतने बड़े बड़े संगठन रूपी किले दुनिया में बने हुए हैं, वो कैसे धराशायी होंगे? एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल बैठी हुई है कंट्रोल करने वाली, दूसरी के ऊपर तीसरा कंट्रोल करने वाला बैठा हुआ है, तीसरे के ऊपर चौथा कंट्रोल करने वाला, सौ सौ मार के मकान बनते जा रहे हैं। साफ संगठन रूपी के लिए धराशायी हो जाए, साफ के पत्तों की तरह नीचे गिरे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा और मंदिर मस्जिद के जाकर गुरुद्वारे साहब साफ खलास हो जाएगा। क्रिश्चियंस में जो बड़े से बड़ी अथॉरिटी है वो कौन माना जाता है? पोप। वो कहाँ बैठा हुआ है? वहाँ बैठा हुआ है ना, और वहां से कितनी संस्थाओं को कंट्रोल किया जा रहा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कंट्रोल होती चली जा रही। ये सारी बहुमंजली इमारतें सब टूट टूट के गिर पड़ेंगी। इतनी बड़ी क्रांति होनी है। टाइम हो गया, पाँच तत्व जड़ बताया गया, चैतन्य में भी कोई आत्मा ऐसी होगी? क्यों नहीं होगी बाबा? वायु देवता नहीं होता है, अग्नि देवता नहीं होता है, पृथ्वी देवता नहीं होता है, तो देवता है तो चैतन्य होगा, ये जड़ होगा। हाँ, कोई उसका जड़ शरीर भी होगा, कोई उसमें प्रवेश करने वाली चैतन्य आत्मा भी होगी, पाँचों शरीर भी होंगे। सब पर्सनालिफिकेशन किया हुआ है शास्त्रों में, जो भी देवताओं का दिखाया गया है वो सब पर्सनालिफिकेशन है। पांच जड़ तत्व भी चैतन्य है, कोई व्यक्ति है। बिल्कुल साकार शरीर में नहीं, साकार शरीर के अंदर होंगे, बड़ी माँ को बनी। हाँ, आकाश बाप को, ठीक है, और पादिनी, यमुना कोई देवता है? यमुना, यमुना काय की देवता, अग्नि देव, अग्नि देव कहा जाता है, अग्नि देवी नहीं कहा जाता, बल्कि रुद्रमाला, रुद्रमाला में ही अष्ट देव होते हैं। आत्मदेव में से कोई है? हाँ जी, हाँ जी,
पांचों में अष्टदेव में से नहीं हो सकते पृथ्वी का जो रूप है वो घटता बढ़ता रहता है जब स्टार्ट होता है तो सिर्फ भारतवर्ष रह जाता है उसको पृथ्वी नहीं कहेंगे पृथ्वी माने पृथ्वी आती माने जो चौड़ी होती जाती है जैसे माता है ना एक बच्चा पैदा किया थोड़ी और चौड़ी होगी दो बच्चे पैदा किया थोड़ी और चौड़ी होगी चार चार दस बच्चे पैदा किए और भारत माता जिसे कहा जाता है उसका नाम पृथ्वी आती पृथ्वी नहीं रखा जा सकता लेकिन वो उसकी मूल है मूल माने उसकी भी जड़ है उसकी भी आधार है उसकी आधार है माना जगदम्बा की भी आधार कौन है लक्ष्मी और लक्ष्मी का भी कोई बीज होगा नहीं पुरुषों की तो आप ही नहीं नहीं अष्टदेव में वो बीज होगा जिसके लिए बोला इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया है तुम अष्टदेवों ने एक्स वाई जेड कोई भी बताया योगी सर के साथ आप नहीं है तो सारे जल से कहेंगे बात को अगर आकर चाहिए जल जल पृथ्वी वायु जल जल हाँ जल देवता जल की देवता हाँ वरुण बात को आकर चाहिए इंद्र कहते हैं इंद्र देवता क्या बरसाता है जल बरसाता है इंद्र देवता नमः वरुण देवता है नमः इंद्रा वरुण दोनों का नाम साथ साथ भी लेते हैं वरुण कहा जाता है बादल को हाँ जी वो तो बाकी रविवार होता है बृहस्पति रविवार हाँ जी उसके पहले रविवार सोमवार मंगलवार शुक्रवार चार बार होते हैं हाँ तो सब जो है बृहस्पतिवार प्रोजेक्ट होता है हाँ तो मतलब ये चारों वार जो है हाँ बृहस्पति के पहले प्रोजेक्ट हो जाते हैं हाँ इनमें है पॉजिटिव कौन कौन है और निगेटिव कौन कौन है रविवार भी पॉजिटिव है रविवार भी पॉजिटिव है सोमवार भी पॉजिटिव है सोम माने चंद्रमा शशि की सोल अपने में खराब नहीं है हाँ जी उसके ऊपर परछाया पड़ता है दूसरों का प्रभाव पड़ता है रंग का रंग लगता है सब पलट जाता है मंगल भी उसका नाम ही क्या है मंगल माना कल्याण बुद्ध तो है ही बुद्धिमान और कल्याण होने का सवाल ही नहीं वो तो शुक्राचार्य काली अंकल थोड़ा नहीं कि आँख फूटी हुई होती है शुक्राचार्य की आँख जो है वो फूटी हुई है वो अवगुण ही देखता है बुरा नहीं देखता देवताओं को हाँ शुक्राचार्य वो ही हुआ जो शुक्र है खुदा का कहता हो है शुक्र है जब रात पूरी होती है तो सूर्य निकलने से पहले कौन सा तारा चमकता है शुक्र तारा चमकता है हाँ लालिमा होती है अम्मा से ही बच्चा पैदा होता है हाँ जी हाँ जी वो अम्मा को ज्यादा मानने वाला है अम्मा को जो भी मानने वाले हैं उनमें मुख्य कौन है कोई विधर्मी कोई मुख्य है तो इस्लाम धर्म का बीज होगा आधारभूत होगा जो माँ को ज्यादा मानता होगा शुक्रवार को जुम्मा पाते हाँ जी जामा मस्जिद कहते हैं उसे हाँ शेर घोड़ा और बकरी है
हाँ जी, तो शेर को सनातन धर्म वाला कहेंगे। हाँ जी। और जो घोड़ा है वो क्रिश्चियन धर्म से कनेक्शन है। हाँ जी। और बकरी है मुसलमान धर्म से कनेक्शन, इस्लाम धर्म से कनेक्शन। गोजली है उसमें जगदम्बा भी शामिल है विष्णु में। जगदम्बा कहो, ओम राधे कहो, वो माताएं भी शामिल है। इसके अंदर में आ गई तो आ गई। ज्यादा प्रभाव की इच्छा कम कर। हाँ जी। शनिचर और शुक्र दोनों ही तो बच गए। भैया पढ़ेगी जाके बच्चे बाप दादा को अलग कर देंगे तो फिर एक हो जाएंगे। हाँ, तो ये संगम की बात है, पूरे 5-8 साल की बात है। 5-8 साल में भी ऐसे ही होता है, लड़ाई लड़वाते रहते हैं बच्चे, लड़ाई लड़वाते रहते हैं, वो फिर एक हो जाते हैं। जो विधर्मी बच्चे हैं वो माँ बाप के बीच में फ्रिक्शन डलवाते हैं, और जो स्वधर्मी बच्चे हैं वो माँ बाप को फिर से मिलाई देते हैं। ऐसी लड़ाई कोई है बाबा जिसमें वो दोनों पार्टधारी का आपस में युद्ध हुआ हो? कौन दोनों पार्टधारी? राम और विष्णु। राम जो मानदार वक्त का ड्रामा है। हाँ, कोई ऐसी लड़ाई है जिसमें ये महाकाली का जो पार्ट है उसमें किसी की सोल काम करती है कि नहीं? काला कृष्ण का पार्ट बजाती है कि नहीं? काली का ही काम है ना। हाँ हाँ, काली का काम है ना, तो काली में सपोर्ट किसको मिलता है, कृष्ण का मिलता है या राम का मिलता है? महाकाली का ही मिलता है। महाकाली का वो एक ही बात है, महाकाली कहो काली कहो है सब एक ही चट्टे बट्टे हैं सब। बाबा बोला है कि शंकर को फॉलो नहीं करना है। हाँ, वो त्रिचोला शंकर को फॉलो करती है। कौन सा है त्रिचोला शंकर को फॉलो करता है? जगदम्बा जो शक्तियाँ बनती है। हाँ, और विनाश की निमित्त बनती है। हाँ, विनाश की निमित्त बनती है, शंकर को कहाँ फॉलो करती है? शंकर का कार्य था ना वो। शंकर का कार्य है लेकिन फॉलो कहाँ करती है? शंकर के मुख से जो बातें निकली है उनको फॉलो करती है क्या? शंकर के मुख से शिव बोलता है या शंकर खुद बोलता है? जो बोलता है तो शिव को फॉलो करती है। अगर शिव को फॉलो करेगी तो स्वच्छ पार्ट होगा, गोरा पार्ट होगा या काला पार्ट होगा? काला पार्ट जो बजाता है वो श्रीमद के बरखिलाफ बजाता है या बाबा की श्रीमत को बजाता है? सफाई करने के लिए काला पार्ट बजाना। सफाई करने के लिए काला पार्ट बजाना जरूरी है, लेकिन वो जरूरी बात जो है वो मुरली में बोली गई है, कैसा पार्ट बजाओ मुरली में? तो ये बोला हुआ है इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होता है संगठन स्थापना। विनाश भी कल्याणकारी होता है। विनाश कल्याणकारी होता है लेकिन उतना कल्याणकारी होता है जितना स्थापना और पालना कल्याणकारी होती है। विनाश नहीं होगा तो स्थापना भी नहीं होगा। वो ठीक है, जल्लाद नहीं होगा तो पापाचारी खत्म कैसे होगा? तो कहो कि जल्लाद भी अच्छा आदमी है, हम भी बनेंगे। हाँ बाबा, अब लंबा लंबा न करो। हाँ, नीला काला और हरा रंग जो है। हाँ बाबा ने बोला ये विशेष। हाँ जी। बाबा जो तिरंगा झंडा जो दिखाया उसमें बीच में जो चक्र दिखाया अशोक चक्र, कहा 24 आत्माओं का जो है स्वदेशी आत्माओं का प्रतीक है, उनको नीला रंग क्यों दिखाया? वो नीली बन जाती है प्रत्यक्ष होने के बाद। जब तक नीली न बने तब तक गोरी भी नहीं बनेगी। लेकिन गायन नीली का है क्या? गोरी का गायन नीली का नहीं होता है, गायन तो प्योरिटी का ही होता है। क्योंकि ये आज का झंडा है हमारा, जो असली झंडा है वो त्रिमूर्ति का होना चाहिए, उसमें शक्ति चक्र होना चाहिए। तुम जिस झंडे की बात कर रहे हो वो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के झंडे की बात कर रहे हो। इसमें हाँ वो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट का है या शिष्टाचारी गवर्नमेंट का? नीलाकरण नहीं होता। जो
जो चक्कर में धारे दिखाई जाती है वो काले रंग से और नीले रंग से दिखाई जाती है, वो बात कर रही हूँ। शक्तियों को ये बोल रहे इंटेलिजेंस से बिना तो प्रेरणा तो शंकर दे रहा है ना। प्रेरणा शंकर दे रहा है तो पकड़ लो शंकर को, कहाँ प्रेरणा दी बिना प्रूफ को पढ़ाने के तो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रेरणा पकड़ में आएगी क्या? नहीं। प्रेरणा तो कोई कार्य कराता भी नहीं, मैं तो कोई कार्य नहीं कराता हूँ। कार्य कैसे करते हैं उनकी मनमत है इसके ऊपर, जो करेगा उसके ऊपर पाप करेगा। तो क्यों करती है ऐसा काम श्रीमती के बदला? इसकी प्रवेशता हो गई विनाशकारी होगी, तो विनाशकारियों का पूर्ण जन्म में संग किया होगा, ऐसे ही प्रवेश कर लेंगे। कोई दूसरे को सपोर्ट करने जा रहा हो, कोई स्त्री दूसरे आदमी को सपोर्ट करने जा रही हो, तो जो पहला आदमी है वो तो पकड़े है कहाँ जा रही है, पहले मेरे से तो निवर्त भारत में बाबा ऐसा होता है ये कोई अगर उसका वर्ण करते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। ये बात तो है, लेकिन भाई पुरुषों में अगर कोई पत्नी रहते हुए बहुत सारे पत्नी के साथ लोग घूमते फिरते हैं तो उसको कैसे अच्छा माना जाता है? कहाँ अच्छा माना जाता है? तुम्हारे घर परिवार में माना जाता होगा। यहाँ से जैसे राम वाली आत्मा जितने भी राजाएं हुए सारे ने एक एक नारी ब्रह्मचारी के पार्ट को नहीं निभाया। नहीं निभाया राम ने, नहीं निभाया नहीं राम, राम वाली राम का अगर द्वापर वाला अरे त्रेता वाला पार्ट को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद भी उसने नहीं निभाया। क्या कहना चाहते हैं? उनका कहना है कि चार बार यमुना गंगा सरस्वती सब उनके कांटेक्ट में आई तो कहाँ वो एक के तो बता दिया ना, मैं विदेशी बन करके आता हूँ। बाप यहाँ तो बता दिया सब बातों का एक जवाब, बाप इस संगत में विदेशी बन करके आए हैं, विदेशी है नहीं, अंदर से विदेशी नहीं है, विदेशी पाठ बजाते हैं माने नारियल है, रियल पाठ नहीं बजाया जा रहा है। अपना पलट बाबा ऐसे ही झाड़ देते हैं, बड़ा बंदर कभी पकड़ नहीं। थोड़े बहुत ये